नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर ये पूरा रियल एनालिसिस पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर हम रीमान इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। आज ऊपरी रीमान समाकलन, निम्न रीमान समाकलन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक चीज़ रह गई थी जो हम कल पढ़ रहे थे। आपके ऊपरी डाबरू योग और निम्न डाबरू योग में हमने सूक्ष्मीकरण के बारे में पढ़ा था, यानी सूक्ष्मीकरण क्या होता है कि कोई पी सबसेट ऑफ पी डैश, ऐसा आपने पढ़ा था। तो ये पी क्या होगा, विभाजन का सूक्ष्मीकरण कहलाएगा। तो कुछ थ्योरम भी हमने पढ़ी थी, एक लास्ट थ्योरम और है इसकी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि यू माइनस एफ पी आप करेंगे, यानी फंक्शन में माइनस लेकर आप मान निकालेंगे, तो वो बराबर होगा माइनस एल एफ पी के। ध्यान से सुना, यानी कोई फंक्शन का मान माइनस में आप फंक्शन ले रहे हैं, एफ बराबर पहले एक्स स्क्वेयर लिया था, फिर वो माइनस में लेते हैं, तो उसका जो उच्चक है वो माइनस उसके निम्नक के बराबर होगा। ऐसा ही अगर आप बात करें कि आपका जो निम्नक होगा एल माइनस एफ पी का, वो इसके उच्चक के माइनस के बराबर होगा। देखिए अब इसको प्रूफ करते हैं क्वेश्चन द्वारा, या फिर आप सीधा ही सीधा स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, सीधा ही स्टेटमेंट याद रख लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप स्टेटमेंट याद रखो। बस इतना प्रूफ मैंने बुक के जो नोट्स है उसके अंदर क्वेश्चन एक देर का है, तो वह आसानी से प्रूफ हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रख लेना। नोट्स के अंदर इसका क्वेश्चन देर का है तो वो करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए टॉपिक बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन। अब सारी चीज़ें आपको आएगी, ऊपरी रीमान समाकलन, कि अंतराल ए कोमा बी के प्रत्येक संभव विभाजन के लिए, प्रत्येक संभव विभाजन के लिए ऊपरी डाबरू योग, जो ऊपरी डाबरू योग है उसका जो आप निम्नक लेंगे, यू एफ पी का निम्नक, अभी देखो अभी समझ में आएगा, का निम्नक ऊपरी रीमान समाकलन कहा जाता है। ऊपरी निम्नक रीमान समाकलन कौन सा, ऊपरी समाकलन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी ऊपरी जो डाबरू योग है, ऊपरी डाबरू योग इसके ऊपर बार लगेगी, और एफ एक्स इसका जो ऊपरी डाबरू योग निकलेगा वो इस किसके बराबर होगा, इसके निम्नक के, इन्फिमियम ऑफ किसका, ऊपरी डाबरू योग का निम्नक। ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल मेन चीज़ है, आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। तो देखो जो ऊपरी डाबरू योग है, यानी ऊपरी डाबरू योग जो आप उच्चक निकाल रहे थे, और ऊपरी डाबरू योग मान लीजिए ये अंतराल है आपके पास 1,3, तो इसमें जो ऊपरी डाबरू योग कौन देगा, देखो जो फंक्शन आप जो भी माने एफ बराबर एक्स के ले रहे हैं, तो ऊपरी डाबरू योग 3 देगा, मैक्सिमम मान 3 आएगा, तो इसमें से जो न्यूनतम मान कौन सा होगा, 3 ही वाला तो होगा, यानी यही तो बात समझ रहे हैं ना। ऐसे ही निम्न डाबरू योग में क्या हो जाएगा, फटाफट करते हैं इसको खत्म। निम्न डाबरू योग में अब जो निम्नक का उच्चक मान, जो निम्नक है उसका उच्चक मान, अधिकतम मान इन्फिमियम, और आपका जो उच्चक मान है किसका, ऊपरी डाबरू की बजाय इस बार यहां पर जो एल एफ पी है उसका उच्चक मान, ये क्या होगा, निम्न ऊपरी निम्न रीमान समाकलन और ये ऊपरी रीमान समाकलन। ठीक है, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब देखिए किसी फंक्शन के लिए जो ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन के अंदर संबंध क्या होगा, ये देखिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। देखो लिख लो, कोई लिखना चाहता है फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा क्वेश्चन करने हैं मैंने तो इसके, बस ये डेफिनेशन और क्वेश्चन से अच्छी समझ में आएगी, देखना आप। या चूंकि एल एफ पी होता है वो आपको पता है कि हमेशा यू एफ पी से छोटा होगा, तो ऐसा ही जो रीमान समाकलन है उसके लिए भी यही होगा कि ए डैश बी डैश, ये क्या था, निम्न रीमान समाकलन,
छोटा या बराबर होगा किससे, जो ऊपरी रीमान समाकलन है उससे, ये बात आपको याद रखनी है। और कोई जो फंक्शन है, मान लीजिए आप किसी फंक्शन के समाकलनीय की बात करें हैं कि ये फंक्शन आपका समाकलनीय होगा या नहीं होगा, तो ये बात आपके रीमान समाकलन पर डिपेंड करती है। आप इंटीग्रेशन का टॉपिक भी कर रहे हैं, वहाँ पर इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा है, तो उसके अंदर भी आपने यही पढ़ा होगा कि जो समाकलनीय फलन कौन सा होगा, वो यहाँ से डेफिनेशन क्लियर होती है कि अगर कोई आपका रीमान समाकलनीय के लिए फंक्शन है तो वो आपका समाकलनीय भी फंक्शन होगा। रीमान की कंडीशन फॉलो करता है तो वो आपकी समाकलनीय की भी कंडीशन फॉलो करने वाला है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि जो आपका निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन बराबर होने चाहिए। फलन कोई है, फलन एफ ए कोमा बी अंतराल में, अंतराल में रीमान समाकलनीय होता है, या समाकलनीय सीधा लिख सकते हैं, सीधा समाकलनीय होगा यदि, सीधा लिख सकते हैं समाकलनीय होगा यदि क्या, कि जो निम्न रीमान समाकलन बराबर होना चाहिए, निम्न रीमान समाकलन बराबर ऊपरी रीमान समाकलन, बस सिंपल सी बात है, यानी ये बराबर आपका होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कुछ लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट के रूप में ही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। ठीक है, देख लो कि कोई फलन एफ ए बी है अंतराल में रीमान समाकलन या समाकलनीय होगा कब है, कि जब उसके निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन है दोनों अगर बराबर आते हैं तो वह आपका क्या होगा, समाकलनीय फलन होगा। जैसे कुछ लाइन देखो, जो अचर फंक्शन है, अचर फलन है, इंपॉर्टेंट है कुछ लाइन है ये। नंबर एक, अचर फलन हमेशा रीमान समाकलनीय होता है, फलन हमेशा रीमान समाकलनीय होता है, सीधी सी बात है, कोई अचर फंक्शन होगा तो उसके अंदर उसका निम्न रीमान समाकलन ऊपरी रीमान समाकलन बराबर ही आएगा, क्योंकि अचर है, वैल्यू फिक्स है, तो उसके अंदर कुछ भी कर लो वही मान आपका आने वाला है। दूसरी चीज, जो आपका सतत फंक्शन है, सतत फलन सदैव समाकलनीय होगा, सतत फलन फलन सदैव समाकलनीय होता है, सतत फलन सदैव समाकलनीय होता है। नंबर तीन पर बात करते हैं अपन, जो आपका एकदिष्ट फलन है, यानी मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन भी समाकलनीय होता है, एकदिष्ट यानी एक दिशा में बढ़ रहा है, समाकलनीय होता है। लेकिन दोस्तों, हम बात करें असतत फलन की, तो देखिए यहाँ पर सतत फलन तो समाकलनीय है, लेकिन असतत फलन है वो समाकलनीय नहीं होता। किन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर वो असतत है, लेकिन अगर उस वो परिमित बिंदुओं पर ही असतत है, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू असतत है, तो उसका समाकलन किया जा सकता है। यानी जैसे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, हमने समाकलन के अंदर भी पढ़ा था कि ये परिमित बिंदु हैं उन पर असतत होता है, क्यों, क्योंकि देखो ये जीरो से एक के बीच में अगर कोई मान आएगा 0.5 ऐसे, तो ये जीरो मान देगा, यानी यहाँ पर सतत है, लेकिन जैसे ही कोई परिमित वैल्यू आई तो इसका मान बदल जाएगा। अब एक से ऊपर कोई चीज़ें आएगी तो वो एक मान देने लग जाएगा, 1.1 से लेकर 2 तक एक का मान देगा, यानी ये इसका अर्थ क्या होता है कि ये पूर्ण संख्या देगा, और कौन सी, जो आपको सबसे नीचे वाला आपका पूर्णांक है उसमें से आपको देगा, यानी 1.5 है तो इससे नीचे कौन सा पूर्णांक है, एक, ये दो मान नहीं देगा, डेढ़ को, आप पेपर के अंदर को टेस्ट वगैरह देते हैं तो आपका डेढ़ नंबर आ गया तो दो नंबर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, डेढ़ आया है तो ये एक देगा, ठीक है, ऐसे समझो, एक नंबर देगा आपको ये डेढ़ आया है तो, यानी ये इससे जो छोटा जो पूर्णांक है वह 12 आपको निकाल कर देता है। तो आप देख सकते हैं ये दो परिमित बिंदु आएंगे उन पर असतत होगा, लेकिन बाकी हर जगह, अब जीरो से एक के बीच में क्या है, ये सतत है, लगातार बढ़ रहा है फंक्शन, क्योंकि जीरो ही मान दे रहा है, एक ही कंटिन्यूस आपका फंक्शन है, लेकिन जैसे ही एक आया, परिमित वैल्यू आई, तो उस पर असतत हो जाएगा। इसके बारे में हमने समाकलन के अंदर भी बात की थी, लिख सकते हैं असतत बिंदु के बारे में हम लिखेंगे, देखिए असतत जो आपका फलन है समाकलनीय नहीं होता,
होता है, किंतु यदि यह केवल मात्र किंतु यदि यह परिमित बिंदुओं पर ही असतत है, परिमित बिंदुओं पर ही हो तो, यानी परिमित असतत बिंदुओं, परिमित बिंदुओं पर ही असतत है, तब यह भी समाकलनीय होगा, तब यह भी समाकलनीय होता है, तब यह भी समाकलनीय आपका होगा। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करें यानी अब इसी के बारे में हम बात करते हैं, एग्जांपल इसका एफ बराबर आपके पास आवेश अवशेष वर्ग है, आवेश नहीं अवशेष, एफ एक्स बराबर आपको ये दिया है और इसके अंदर बिंदु दिए हैं अंतराल जो आपका है एक्स बिलोंग टू ए कोमा तीन। अब ये देखो ये बिंदु एक्स बराबर ए कोमा दो कोमा तीन पर क्या है, असतत है। तो इसके अंदर आपको देखना है कि नियम किस पर चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो नियम आप देख सकते हैं, यानी ये एक और दो के बीच में कोई वैल्यू आएगा तो क्या मान देगा, एक देगा, दो और तीन के बीच में आएगा तो उसमें दो मान देगा, यह आपको पता होगा तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो कह सकते हैं कि आप ये एक मान कब देगा, जब ये एक्स का मान है वो देखो एक और दो के बीच में रहेगा, एक और दो के बीच में ये मान रहेगा तो ये आपको क्या मान देगा, एक मान देगा। लेकिन यदि यह दो से, अब दो या दो से बड़ा हो गया और तीन तक है तो यह मान आपको क्या देगा, दो मान देगा। तो आप लिमिट निकाल सकते हैं, देखो जहां जहां नियम चेंज हो रहा है वहां वहां लिमिट, मैंने आपको समाकलन के अंदर बताया ये, जहां जहां नियम चेंज हो रहा है वही लिमिट आपकी ब्रेक होती जाएगी। तो देखो पहली जो लिमिट होगी आपकी एक से दो तक लिमिट होगी, एक से दो तक डी एक्स के अंदर, और दूसरी यहाँ पर वैल्यू कितनी है, एक से दो के बीच में एक है, और दूसरी दो से तीन के बीच में यहाँ मान कितना है, दो डी एक्स। तो ये आपका समाकलन आ जाएगा कहाँ से, एक से तीन तक जो अवशेष वर्ग है उसका। अब देखो क्या मान आएगा यहाँ पर, अगर आप करेंगे तो एक्स एक से दो प्लस का यहाँ दो इंटू में एक्स ऊपर दो तीन। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो यानी इसका मान आपके पास आ जाएगा, एक यहाँ आ गया और दो यहाँ आ गया, तो दो प्लस एक आपका कितना आ गया, तीन आंसर आ गया। तो देखो ये समाकलन हुआ ना, लेकिन ये परिमित बिंदुओं पर असतत था, केवल मात्र जो आपके बिंदु हैं एक्स एक कोमा दो कोमा तीन जो परिमित बिंदु हैं उन पर असतत था, लेकिन उसके बीच में जो अनंत आपकी संख्याएं आएंगी, प्रीमेय अप्रीमेय संख्याएं आएंगी उन पर ये सतत था, इस वजह से ये फंक्शन आपका समाकलनीय होता है, समाकलनीय होगा। इस बात को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिमान समाकलन का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध हम करने वाले हैं। ठीक है, रिमान समाकलनीयता के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध लिख लेना, फिर क्वेश्चन करेंगे एक दो और फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। रिमान समाकलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, रिमान समाकलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो आपने अंतराल लिया है उसके अंदर जो फंक्शन है आपका परिबद्ध होना चाहिए, फलन एफ ए कोमा बी में रिमान समाकलन होगा, नंबर एक बात, रिमान समाकलन समाकलन होगा यदि, यानी उस फंक्शन के अंदर वह रिमान समाकलन है, नंबर एक क्या होनी चाहिए, एक नंबर बात कि जो फंक्शन है आपका एफ परिबद्ध है, यानी वह परिबद्ध होना चाहिए। दूसरी बात
कि जो ये जीरो से तो बड़ा होना चाहिए क्या, यू एफ पी माइनस एल एफ पी और लेस देन एप्साइलन, इनका अंतर जीरो से तो बड़ा और एप्साइलन से छोटा होना चाहिए दोनों का, यानी जो अंतर ले रहे हैं आप ऊपरी जो ऊपरी डाबरू योग है और निम्न डाबरू योग का अंतर लेस देन एप्साइलन और जीरो से इनका अंतर बड़ा होना चाहिए। तो ये आपकी दो कंडीशन हैं किसके लिए, रिमान समाकलन के लिए, एक तो ये आपका क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए फंक्शन, और दूसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन आपकी होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन फंक्शन देता है कोई तो वह आपका रिमान समाकलनीय कहलाएगा। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बात आप लिख सकते हैं और एक नोट लगा कर लिख लेना कि फलन आर, नोट लगाना एक इंपॉर्टेंट नोट है कि फलन आर समाकलनीय, कि फंक्शन आर है आपका वो समाकलनीय है तो वह निश्चित रूप से परिबद्ध होगा। यानी ये तो आपने कंडीशन पहले ही पढ़ ली, परिबद्ध होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि परिबद्ध फलन क्या हो, समाकलनीय हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये बात भी आपको लिखनी है, परंतु परिबद्ध फलन का, परंतु परिबद्ध फलन का समाकलनीय होना, परिबद्ध जो फलन है उसका समाकलनीय होना आवश्यक नहीं है। जो परिबद्ध फलन है उसका समाकलनीय होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो रिमान समाकलनीय है वह आपका क्या होगा, परिबद्ध फलन होगा। उसका रिमान समाकलनीय लिख सकते हैं, का रिमान समाकलनीय लिख लो इस लाइन को। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, यानी सबसे पहले तो आपको देखना है कि बड़ा मान कौन सा देगा, यानी जो जीरो से बड़ा है उच्चक देखना है, उच्चक कौन सा मान उच्चक होगा, फिर उसके बाद उच्चक आया है उसका समाकलन कर देना है। ठीक है, तो वो आपका जो रिमान ऊपरी रिमान समाकलन आ जाएगा, और निम्नक निकालेंगे तो वो आपका निम्न रिमान समाकलन हो जाएगा। तो इस लाइन को लिखो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि कोई फंक्शन रिमान समाकलनीय कब होगा, रिमान समाकलनीय वह तभी होगा जब उसमें ऊपरी रिमान समाकलन और निम्न रिमान समाकलन दोनों अगर बराबर आते हैं तो ही वो फंक्शन आपका रिमान समाकलनीय कहलाएगा। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है आपको दिया है एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया है, देखो जीरो मान होगा तब जब एक्स प्रीमे संख्या है, और एक मान देगा जब एक्स क्या है, अप्रीमे संख्या है। एक्स प्रीमेय संख्या है तब ये देगा, और जहां पर जो एक्स है, एक्स कहां से बिलोंग करता है, किस अंतराल से बिलोंग करता है, वो भी आपको दे रखा है कि एक्स है वो 0.2 अंतराल से ये एक्स है आपका बिलोंग करता है। तो ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वो रिमान समाकलनीय होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, इसके लिए देखो सबसे पहले आपको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, उच्चक निकालिए और निम्नक निकालिए और उनका समाकलन कर दीजिए जीरो से दो लगाकर लिमिट, यही तरीका है, वरना तरीका लेंथी होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी। यानी पहले तो आप क्या निकालें, उच्चक निकालें। अब देखो सबसे पहले तो रिमान समाकलन होने के लिए उच्चक निम्नक निकालने पड़ेंगे, और साथ में
क्या ये आपका परिबद्ध फलन है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो एफ एक्स का मान है वो क्या है, जीरो और एक के बीच में ही आएगा। प्रीमेय संख्या है तो जीरो आ रहा है, अप्रीमेय संख्या है तो एक मान आ रहा है, तो यानी ये जीरो और एक के बीच में ही आपका रहने वाला है। तो देखिए ऊपरी जो रिमान समाकलन है वो क्या आएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं ऊपरी रिमान समाकलन, इसमें देख लीजिए कौन सा बड़ा है, ऊपरी रिमान समाकलन कौन सा बड़ा है, यानी उच्चक निकालिए, उच्चक का समाकलन कर देंगे तो ये ऊपरी रिमान समाकलन आपके पास आ गया। और अगर आप निम्नक निकाल कर, निम्नक निकालते हैं और निम्नक लगाकर आप समाकलन करेंगे तो ये आपका निम्न रिमान समाकलन आ जाएगा। और दोनों अगर बराबर आते हैं, दोनों अगर बराबर आएंगे तो ये आपका रिमान समाकलन होगा, अगर नहीं आते हैं तो ये आपका रिमान समाकलन नहीं होगा। तो ये हमें निकालने हैं। देखो अभी अंतराल के अंदर देखते हैं, ये अंतराल के अंदर चेक करते हैं ना निम्नक और उच्चक, तो ये अंतराल है आपके पास 0.2। अब इसके अंदर देखो निम्नक क्या आएगा, निम्नक देखो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं, जो छोटी से छोटी वैल्यू वो जीरो आ रही है, निम्नक जीरो आ गया। उच्चक देखो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, देखो एक आती है, जीरो और एक के बीच में आ रही है, तो उच्चक आपका ये हो गया। तो ऊपरी रिमान समाकलन देखो क्या होगा, ऊपरी रिमान समाकलन क्या होगा, ऊपरी रिमान कर रहे हैं तो जीरो से दो तक तो आपकी लिमिट होगी और उच्चक का मान 1.dx, तो ये आपका ऊपरी रिमान समाकलन निकाल सकते हैं। देखो क्या आएगा, x और जीरो से दो की ओर लिमिट है तो ये मान क्या आ गया आपका 2, ये आ गया ऊपरी रिमान समाकलन। ऐसे ही निम्न रिमान समाकलन हम निकालें, निम्न r समाकल जीरो, अब जीरो है तो जीरो का समाकलन क्या होता है, जीरो। अब देखो क्या ये दो और जीरो बराबर है, क्या नहीं है, यानी ऊपरी रिमान समाकलन नॉट इक्वल टू निम्न रिमान समाकलन, तो ये बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका समाकलन जो आप फंक्शन कर रहे हैं वो रिमान समाकलन नहीं होगा। तो अतः एफ रिमान समाकलन ये नहीं है, लिखो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। यानी अब यहां पर डायरेक्ट देख सकते हैं जो जो बड़ा है वो उच्चक होगा और जो छोटा मान दे रहा है वो निम्नक होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। यानी और अगर x के रूप में चीजें मिल जाएंगी, अब देखो x के रूप में समीकरण मिलेगी तो कैसे करोगे, यानी दोनों में घटाकर देखोगे और जो रिजल्ट आया क्या वो रिजल्ट जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा है यानी दोनों का अंतर अगर जीरो से बड़ा आता है तो वो कौन सा जो आपने पहले उसमें से घटाया है वो बड़ा हो जाएगा, अगर जीरो से छोटा आता है तो वो छोटा मान हो जाएगा, ठीक है, जिसके लिए चेक कर रहे हैं। तो अभी देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको मैं, या फिर आप कोई वैल्यू रख सकते हैं उस अंतराल में से और देख सकते हैं कौन सा बड़ा मान देगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे एक और रहा है वो भी करते हैं। क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर आपको दिया है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर और साथ में दिया है 1 माइनस एक्स, ठीक है, और कहा है जब एक्स प्रीमियम हो और जब एक्स अप्रीमियम हो, ठीक है। अब देखो अंतराल दिया है आपको 0.1 पर, अब देखो इनको पहले तो देखना पड़ेगा, देखो उच्चक निम्नक निकालने हैं, परिबद्ध है ये, तो आप देख सकते हैं उच्चक निम्नक कैसे निकालोगे आप, उच्चक निम्नक या तो आप देखो इसमें से दोनों में से घटाकर देख लो, यानी 1 माइनस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर घटा लो और देख लो कि क्या जीरो से बड़ा आ रहा है, जो भी जीरो से बड़ा है, जो भी रिजल्ट जीरो से बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, यानी जो पहले वाला अगर ये जीरो से बड़ा गया तो पहले वाला बड़ा हो गया क्योंकि तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर छोटा आ जाता है तो दूसरे वाला बड़ा हो गया, ये कर लो। या फिर इस अंतराल में से देखो ये सबसे सरल तरीका, या फिर इस अंतराल 0.1 में से कोई वैल्यू ले लो, एक्स बराबर 1/2 ले लिया मैंने, ठीक है, चेक करते हैं अंडर रूट 1 माइनस, इसके लिए चेक करते हैं बड़ा है या नहीं, तो 1/2 यानी 1/4 हो गया, स्क्वेयर करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा अंडर रूट 3/2, ठीक है।
और एक यहां पर चेक करते हैं देखो इसके लिए, तो वन माइनस का एक बटा दो ये क्या आएगा आपके पास, देखो रिजल्ट क्या आया है यहां पर, एक बटा रूट दो ही आएगा ना, रूट नहीं है सॉरी, वन माइनस एक्स ही है, तो वन माइनस एक बटा दो आ गया। अब देखो इसके अंदर कौन सी वैल्यू आपको बड़ी लग रही है, जो बड़ी है वही आपका उच्चक होगा। देखो बड़ी क्या ये वाली बड़ी है क्या, ये लग रही है ना आपको, तो बड़ी नहीं है, रूट थ्री का मान होता है 1.73, ऐसे इस प्रकार मान बढ़ता जाता है, और इसमें दो का भाग देना है और एक आपको देना है एक में दो का भाग, कौन सा रिजल्ट बड़ा आएगा, यही तो आएगा, यानी ये बड़ी है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी बड़ी है, तो ये आपका उच्चक की तरह काम करेगी। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं उच्चक की तरह कौन सी काम करेगी, तो लिमिट देखो ऊपरी रीमान समाकलन कैसे निकलेगा, जीरो से एक लिमिट है और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये उच्चक आएगा ऊपरी रीमान समाकलन। तो देखो इसको आपको पता है फॉर्मूला पता होगा, देखो इसका फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो आप उसका फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, क्या होगा एक्स बटा दो अंडर रूट है जिट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा दो, ए स्क्वायर क्या है वन ही है, वन बटा दो और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है सीधा एक्स ही है और ए क्या है वन है, और इसके अंदर लिमिट लगा देनी है जीरो से वन। अब देखो जीरो से वन लिमिट लगाएंगे, तो पहले इसके अंदर हमने लिमिट लगाई वन रखा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, देखो जीरो प्लस एक बटा दो साइन इनवर्स यहाँ वन रखेंगे वन अपॉन वन। अब देखो कितने डिग्री पर आपका ये मान वन होता है, साइन नब्बे पाई बाई टू, तो ये साइन पाई बाई टू यहाँ पर यानी पाई बाई टू आप लिख सकते हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया पाई बाई फोर। अब देखना है निम्न रीमान समाकलन, जीरो से एक के बीच में और वन माइनस एक्स डी एक्स, देखो अलग अलग अपन कर सकते हैं, क्या आएगा एक का तो आ गया एक्स, दूसरे का माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और इसके अंदर लिमिट रखेंगे जीरो से वन, तो देखो यहाँ वन रखा वन माइनस का एक बटा दो, और जीरो रखेंगे जीरो ही, तो एक बटा दो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। क्या दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब ये आपका रीमान समाकलनीय नहीं होगा, अगर दोनों बराबर आते तो ये आपका समाकलनीय हो जाता, रीमान समाकलनीय हो जाता। तो ये आपका था दोस्तों रीमान इंटीग्रल, पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। अब आपकी एक दो बुकें और रही हैं, उनको भी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं हम, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अगर ये पसंद आई है क्लासेस तो इनको शेयर ज़रूर करना।